हमारा मजदूर, ये मजदूर आदमी हमारे, जब पसीने कितने आ रहे हैं, पैर छुएगा, बाय बाय, आराम से। राम राम दोस्तों। तो भाई आज हम बहुत दिनों की परिक्रमा करने के बाद, इच्छा पूरी होने के बाद घर को जा रहे हैं। कुछ बोलना चाहोगे? तो भाई घर वाले तो कुछ बोलना रहे, तो इनकी इच्छा तो पूर्ति, सॉरी, इच्छा पूरी हो गई है। अब दिल्ली से ले ले भाई अलविदा, क्योंकि यहाँ पे हफ्ते भर रुके हैं, कुछ काम आ गया था दिल्ली में। तो पूरा फैमिली, हम मम्मी और सिस्टर वगैरह यहीं आ गए थे कुछ टाइम के लिए। अब कंप्लीट हो गया है, अब जा रहे हैं घर पलवल दोबारा। और यहाँ पे भी सही था, गर्मी बहुत है, बाकी कहीं आना जाना हो कन्वेंस तो मिल जाता है, लेकिन भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है इधर, बहुत ही रस वाला एरिया है। स्वेटर वगैरह कभी, स्वेटर तो कंटिन्यू पहनते हैं, कंटिन्यू, अच्छा, डेली। और अभी तो मार्केट जाओ तो तभी गर्म गर्मी होगी, और घर में रहो तो स्वेटर और रजाई, रजाई तो हमारी कभी छूटती नहीं। तो घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा हुआ वहाँ पे? वहाँ मई जून लेकिन मई जून में आइए बस। और बरसात में तो नहीं हो पाता क्योंकि हम खुद बाहर नहीं निकलते, वहाँ बारिश बहुत होती है। अच्छा, और फिर जाड़ो सर्दी में होगी तो वहाँ बर्फ ही बर्फ दिखेगी। पर ये है कि दिल्ली से अच्छा रहता है मौसम, मतलब ये मौसम का तो मैं तो आदत ही नहीं। अगर कोई ये कह दे नैनीताल छोड़ के यहाँ आ जाओ तो नहीं भैया, नहीं कभी नहीं, हम नैनीताल में ही रहेंगे, हमारी बस की नहीं है इतनी गर्मी झेल। तो नैनीताल में खाली एक इसके लिए रहेगी वहाँ पे, बस ठंड की वजह से। अच्छा, बाकी वैसे और क्या फैसिलिटी उधर? कुछ नहीं है फैसिलिटी, कुछ नहीं, महंगाई बहुत है, महंगाई मतलब आम इंसान नहीं खा सकता वहाँ। अरे बहुत महंगाई है, मतलब तू अमीर है बहुत है। पर हाँ भाई, हम जैसे तो खा नहीं सकते, ये अमीर है इसलिए वहाँ पे खा रही है। बहुत ज्यादा महंगाई है। सही है, क्या खाते हैं वैसे ऐसे महंगा वहाँ पे? खा भाई महंगाई में अमीर इंसान ना, हमें टूरिस्ट इलाके है ना, टूरिस्ट इलाके में तब उसकी वजह से महंगाई है। अच्छा, बाकी वैसे सब सही है अभी। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर इतनी महंगाई है, कुछ थोड़ी आवाज़ थी। मेरी आवाज तेज है और बताइए। मन कर रहा तेरे गले में एक माइक फंसा दूं। अगर मैं बोलना स्टार्ट कर दूंगा ना, मेरी आवाज इतनी तेज है, क्या बताऊं, कान फट जाएंगे हमारे तो। बोल दोस्तों, अगली बार अब हमारा मामा नैनीताल आएगा तो वहाँ पर देखिए उसका ब्लॉग, अब वहाँ पर मैं इसको पूरा नैनीताल घुमाऊंगा। वहाँ पर अगर आपको आना होगा तो वहाँ पर एक वो है, लेक भी है, आप वहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं आपका मन चाहे तो, और इधर उधर भी घूम सकते हैं, चाइना टाउन और चाइना पे ऐसी ऐसी जगह पे, और हिमालय दर्शन भी है वहाँ पर। आपको दिखाऊंगा मैं अगले ब्लॉग पे, दिखाऊंगा टिप्पन टॉप। ए देखो, एक भैया को भी पता है, उन्होंने कह रहे हैं टिप्पन टॉप भी है उधर। आप भी गए हो भैया? कई बार गए। अच्छा, हमें टूर के पर्पज से अपने पर्सनली घूमने घूमने भी गए हैं। अरे वाह, काफी एंजॉय किया वहाँ पे। अच्छा अच्छा, बहुत बेस्ट है, मतलब आप भी अमीर हो खानदानी। भाई यार, मतलब हम ही गरीब फंस गए इन अमीरों के बीच में, क्या कि सारे अमीर दिख रहे हैं तो। देखते हैं भाई, हमें भी कोई सवारी के बेस पे ले जाए 100-100 रुपए में यहाँ तो।
क्या कहा? उत्तराखंड भी और नैनीताल भी और इंडिया भी। नैनीताल में ही जी सकते भैया, बाहर नहीं जी सकते। हमारी पास भी नहीं है बाहर जीना। ये नैनीताल वासी हैं, नैनीताल के प्राणी हैं भाई। इनका नैनीताल स्वर्ग है, अमीरों का स्वर्ग है भाई, गरीबों का नहीं है। गरीबों का तो नर्क है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत जमा पूंजी हो, लुटने का मन करे तो चले जाओ वहाँ पे लुटने के लिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं हो आ जाने का। सही है। आपको आपका गांव कहाँ है? ये राधा देवी है और आपको भी हमें इनके बारे में कोई पता नहीं है। ये विदेश से आए हुए हैं, चुपचाप। तो भाई इनका भी है, गांव का नाम बताओ कहाँ रहते हो? वैसे मेरी मम्मी है, लेकिन मैं मेरे को तो पलवली दिखा अपना और बाकी उत्तराखंड ही दिखा, बाकी इनका पता नहीं। भैया कह रहे हैं उत्तराखंड में एक खचेड़ू गाँव है, खचेड़ू गांव की कुछ स्पेशलिटी बताए, क्या अच्छी जगह है वहाँ खचेड़ू की कचौड़ी। खचेड़ू बोलते ना हंस जाती है, क्योंकि रोड इतनी बहुत ज्यादा। अच्छा, मैंने कहा खचेड़ू चुप हो जा, हंस नहीं। तो भाई ये हमारी एक और है। नहीं, मैं नहीं। ये चाइना टाउन से है। इसलिए हमने इसे पीछे फेंक रखा है, क्योंकि भाई ये बाहर देश से आ रखी है तो हमारे लिए खतरा है, क्योंकि चाइना से ही कोरोना आया था, मास्क भी इसी की वजह से पहना हमने। ध्यान से देख, देख भी नहीं रहा कोई, तो ऐसे एक्सपोज कर रहे ताकि भाई सावधान रहे, ऐसी शक्ल की कहीं दिख जाए तो भग जाए भाई दूर। सैनिटाइजर वैनिटाइजर गंगा जल छिड़क छिड़क के भग जाए दूर, कभी फिर बाद में रोते रहो। अब आई होप भगवान करे नैनीताल का टूर बन जाए जल्दी। फिर नैनीताल गांव से आते टाइम जाएंगे पहले? तो पहले गांव जाएंगे, फिर उसके बाद आते टाइम नैनीताल आएंगे। अब उसमें देखते हैं कितने दिन कवर कर पाएंगे, क्योंकि पापा ड्यूटी लगेगी पापा की, तो टाइम नहीं मिल पाएगा इतना, फिर उस हिसाब से टाइम निकाल के नैनीताल घूमा जाएगा। बाकी जितना भी हो सकता है एक दो दिन में कोशिश करूँगा कि पूरा कवर कर दूँ। उसने बोला था कि भाई मिलना करके, लेकिन उससे भी नहीं मिल पाया। अब देखते हैं कब टाइम मिलता है। बाकी वैक्सीनेशन भी करवानी है, अभी तक तो करवाई नहीं है, क्योंकि हम हरियाणा वाले, हमें खैर इतनी ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। बाकी घर वाले सारे डरे पड़े हैं, नो कह रहे वैक्सीन लगाओ लगाओ दी। वैक्सीन लगाने से क्या होता है? वैक्सीन लगाने से अपनी सेफ्टी है, कोरोना इतना चल रहा है तो थोड़ा बहुत, मतलब इतना वैक्सीन लगाने से इतना असर हुआ कि सब ऐसे लंबे बीमार पड़ रहे थे। अच्छा, और तब वैक्सीन लगानी जरूरी हो गई। अरे, तो तुझे क्या फायदा हुआ वैक्सीन लगाने का? फायदा तो अब आगे को दिखेगा ना। अभी क्या, अभी तो एक ही वैक्सीन लगी है। देख कहीं खाली इंजेक्शन तो नहीं लगा दिया था? नहीं नहीं, दवा थी उसमें। कौन सी दवा थी ये बता दे। चलो ये तो पता नहीं। पता है ये वैक्सीन लगा रहे हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कौन सी दवा रहती है। भैया आपको पता है? आपने भी लगाया? लगवाई नहीं। अरे ये है, मतलब अपने लेवल के बंदे है, इन्होंने भी नहीं लगा रखी अभी। आपने? हमने लगा लिया। अरे वाह,
और तूने? ना मैंने तो नहीं लगाया अभी। नहीं लगाया? मेरे ना, तो बच्चा हो गया अभी, तो 14 साल का हूँ। अच्छा बच्चा है तू? अच्छा ये बच्चा है अभी। बोलते हो उम्र कम है। क्या क्या? पहले कोवैक्सीन लगती है, वो सेफ्टी के लिए होती है, और अगर कुछ होता है तो उससे बुखार उखार उससे फायदा होता है। ये शील्ड में ऐसा होता है कि कोरोना वायरस वापस प्रोटेक्ट नहीं होता है अपने शील्ड में। हाँ वो प्रोटेक्ट कर जाए बॉडी को। तो भाई हमारे तो समझते बाहर है ये चीज़ें, शील्ड रहे चाहे बिल्ड रहे, हम भी एक इंजेक्शन ठुकवा लेंगे अब जब ट्रैवल करना ही है तो। बाकी ये भैया तो हरिद्वार वगैरह तक घूम आए हैं, भैया कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी चेक इन बॉर्डर पे होती है, वहाँ अपना एड्रेस आईडी साथ लेके जाए। अच्छा, और जहाँ जाना है वहाँ का एड्रेस। अच्छा, वापसी कब होगी आपको ऐसे करके बताना पड़ेगा और आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत। तो लगवाएंगे हम भी क्योंकि ट्रेवल तो करना ही है आगे, अगर कहीं रोक लिया तो पता पड़े ये लोग तो भाग गए और मैं वहीं रह गया। इन्होंने नहीं दी ना पीछे मुड़ के भी नहीं गया, अपना लगा के आ जा आराम से, हमने तो पहले गई थी और सुना तो है नहीं तेरे। गोवा में भी लग रही थी लेकिन वैसी नहीं लगाई मैंने, क्योंकि मैंने देख लिया था एयरपोर्ट पे चेकिंग नहीं थी। गोवा से अगर आप दिल्ली से गोवा को जा रहे हो तब आपको वैक्सीनेशन भी चाहिए, कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट भी चाहिए, और अगर थोड़ा बहुत भी आप में कोरोना होता है तो आपको आपके ही पैसों से क्वारंटाइन करेंगे। लेकिन अगर गोवा से दिल्ली को आ रहे हो ना तो कुछ नहीं चाहिए, ना कोरोना रिपोर्ट चाहिए ना वैक्सीनेशन चाहिए। तो बाकी आप अपनी सेफ्टी के लिए लगाओ, मैं तो यही एडवाइस करूँगा। बाकी हमारा क्या है, हम तो नल्ले आदमी हैं, कहीं भी कैसे भी घुस जाओ कोई दिक्कत ना। का फ्लाईओवर है ठीक है, और ये अभी कुछ टाइम पहले ही मतलब एक साल के करीब लगा लो अब बना है और कंप्लीट भी हो गया, और आगे ये बन रहे हैं जो, इनको टाइम हो गया कम से कम तुम्हारे 4-5 साल, तो ये अब तक कंप्लीट नहीं हुए। तो ये अब सरकार की डील को हो चाहे कुछ भी कहो, लेकिन यार जो 6 महीने में कर दिया प्रोजेक्ट पूरा और इसे कंप्लीट करने में अभी ये आगे और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और ये हाईओवर सॉरी ये फ्लाईओवर नेशनल हाईवे ना NS2, हाँ NS2 बन रहा है सबसे बड़ा। अब पलवल में तरक्की तो खूब हो रही है लेकिन लेट होती है यार बहुत। अभी हम आगे कैंप मार्केट, मम्मी के दांत में पेन हो रहा है, मम्मी ब्रश नहीं करती थी गंदी बच्ची थी बचपन में, चॉकलेट खाती थी ज़्यादा इसलिए। ये अब आगे औकात पे औकात बेटा औकात, ये कहते हैं नैनीताल वाले जब आ जाते हैं ना अमीरी गरीबी पे आ जाते हैं तो यही हाल होता है। तो अब होगा ऑपरेशन चालू। वाह शाबाश, तभी कहते हैं चॉकलेट ज़्यादा नहीं खानी चाहिए ठीक है। दो लो ये इतनी खुशी ये देख एक और। हाँ भी तू क्या खा रहा है? ये चॉकलेट चाप लेके आ रहा हूँ मैं। भैया तुम कैसे सूखे बैठे हो? आ गया क्या? अच्छा जी शाबाश। तो भाई पलवल आने की घनी खुशी हो रही है इन्हें तो। ये है हमारे उस्ताद जी, उस्ताद जी रुपया।
अपने सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बोल। अरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। भाई इसकी आवाज में दम है। चल अनिल मिलते हैं। ठीक जी, खा पी के हो रही हो, देखने में इतनी तगड़ी हो रही हो। यार देखो क्या बचाया है इसने मेरे लिए, पूरा पैकेट छील दिया, मतलब मुंह से निकाल के डाला है क्या इसमें? ए भगवान, ऐसा स्पेशल हर किसी को पहले क्या रहता इसे निकालने में। ये देखो खचेड़ू भी बोल रहे हैं अब तो। आई मैं खचेड़ू नहीं हूँ। तो फिर क्या हो? मैं नहीं हूँ खचेड़ू। खचेड़ू तो भाई अब पहुंच गए हैं हम पलवल से आगे को, मतलब पुलिस लाइन को। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मीठा खाइए कैडबरी डेयरी मिल्क। अगर छोड़ दे आपके घर में भी कोई ऐसा हो जो बच्चा को चप आपको दे दे, क्योंकि मेरे घर में तो सारे ऐसी है। हाँ जी, हाँ आपने खा लिया भैया? ले वो भी डरे पड़े भैया, वो भी कह रहे खाए ना खाऊं, ये डर रखा बेचारों ने। देखो अभी खाएंगे, छुपा के डर रखा है कहीं मांग ना ले उल्टा। तो ये मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड थैंक्स। बाय बाय, राम राम। पढ़ाया लिखाया कितना, पढ़ाया लिखाया जाट 16 दुनी 8। इस गधा से मैंने कही कि भाई गाड़ी ले आइयो सामान है ज़्यादा, लेकिन ये लिया है बुलेट। तो सही बात है, पढ़ाया लिखाया जाट 16 दुनी 8 वाला। एक यू बैग है, एक वैसो बैग।